Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब हम आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन का. व्हेन द न्यू पार्टनर इज चार्जिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्ट. फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया, एबी का शेयर है 5:3, जैसे कि यहां पर भी दिया हुआ है. सी 1/5 शेयर के लिए, ये फर्स्ट पार्ट. लेकिन अब वो क्लियरली बोल रहे हैं कि इस 1/5 में से 1/10 में ए से लूंगा और 1/10 में बी से लूंगा. सो इट्स क्लियरली मेंशन कि ही इज चार्जिंग इट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स. खैर, इज न्यू शेयर विल बी इन दिस केस 5/8 उसका ओल्ड शेयर था, इसमें से 1/10 ही इज गिविंग टू सी, बैलेंस 25-4 21/40. इसी तरह से बी 3/8 उसका ओल्ड शेयर था, 1/10 वो सी को दे रहा है, बैलेंस उसका 11/40 बचा. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 21/40, 11/40 एंड 1/5. 1/5 को हमने 8/40 लिख दिया. सो 21:2, 11:8 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ए और बी की अलग अलग नजर आ रही थी ये वाली रेशियो, अब वो ए बी सी की रेशियो इकट्ठी हो गई 21:11:8. ये होता है तरीका जब नया पार्टनर फ्रॉम अदर पार्टनर्स अपना शेयर चार्ज कर रहा है. उस केस में सीधा ये जो शेयर है उसमें से ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, वो हम ए और बी से माइनस करके शो कर देंगे. उनके नेट शेयर आ गए बच्चों, वो नेट शेयर हमने यहां लिखे और सी का शेयर लिखकर न्यू रेशियो कैलकुलेट हो गई. ठीक है जी, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं.